हाय गाइस, मैं राहुल, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। अगर मेरे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं हर एक बार लाता रहता हूँ रोड के बारे में, गाँव के बारे में। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और वीडियो देखने से पहले मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बिना लास्ट तक देखे कोई मज़ा नहीं आने वाला इस वीडियो में। तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो गाइज़, आप लोग तो पता है कि हम एक गांव से बिलोंग करते हैं और हमको काफ़ी लोग जानते भी हैं। तो आप लोग के पास हम एक और ऐसी वीडियो लाए हैं जो रोड के बारे में ही है ना। तो मेरे को मजबूरन ये वीडियो लाना पड़ गया, क्योंकि हमारे पास बहुत पर्सनल मैसेज आ रहे थे, जैसे इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे बहुत मैसेज आ रहे थे। पर्सनली जो जानते हैं वो व्हाट्सएप पे कर रहे थे कि भाई फेसबुक पे इतना पोस्ट जा रहा है, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आप छोटा मोटा रोड जो गांव को कनेक्ट करती है वो रोड के बारे में वीडियो बनाते हो, बट जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी रोड है, जो भाई यहाँ तक एक बंदा ने ये लिख दिया, एक लड़के ने हमें ये लिख दिया कि भाई मैं 10वीं क्लास के स्टूडेंट हूँ, फिर भी सब काम करके समझ के लिए, समाज के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ। तो आप भी अपने समाज के लिए टाइम निकालिए। तो बिल्कुल यार, मैंने टाइम निकाला समाज के लिए और मैंने रोड पे एक नया वीडियो बनाया हूँ। तो गाइज़, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रोड की तरफ वीडियो ले चलते हैं और रोड के बारे में बताएंगे क्या है नहीं है, और फेसबुक पोस्ट पे क्या जा रहा, क्या कब क्या है नहीं है, सब कुछ सारा कुछ डिटेल बताएंगे। ये वीडियो को लास्ट तक ना। जन जन का है यही पुकार भाई, जन जन का है यही पुकार, रोड नहीं तो वोट नहीं। जन जन का है यही पुकार, रोड नहीं तो वोट नहीं। और हाँ, विकास नहीं तो किसी भी नेताओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं, विकास नहीं तो किसी भी नेताओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं। तो गाइस, बात ऐसी है कि हिमजापुर से लेकर के डंगरा मोड़ तक इतनी गंदी रोड है, इतनी गंदा रोड है कि भाई मैंने एक पोस्ट देखा फेसबुक पे कि वहाँ पे रोड पे ही लोग धान की बोई कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं। बताओ ये कितनी शर्मनाक बात है। ये मोदी सरकार में ये हाल है, बताओ। अभी भी मतलब एक बोला जाता था ना कि लालू का सरकार आ गया, वो सरकार आ गया तो चोरी होता है, डकैती होता है। भाई वह ऐसा कुछ बात नहीं है, सारी की सारी बेवकूफ़ी वाली बात है, बेवकूफ़ बना रहे जनता को। कोई चोरी डकैती की बात नहीं है, जितने भी आते हैं सारे बस लूट धंगड़ कर खाने के वाले हैं सारे। कोई BJP, कोई RJD, कोई JDU, कुछ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं, बिल्कुल। हम ही जानते हैं जो काम करें वही हमारा बेस्ट है, वही हमारे लिए बेस्ट है, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करे। तो मैंने उनके पोस्ट पे देखा था मनोज कुमार हिंदुस्तानी जी, आपको मैं जानता भी नहीं हूँ, फिर भी सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे लोग उस गांव में रह रहे हैं और इतना सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मनोज कुमार जी, बहुत बड़ी बात है ये कि आप इतना आगे बढ़े और सभी लोगों को जागरूक किए। बहुत कमी लोग हैं गांव में जो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, बहुत समस्या होने पर भी इन लोग चुप ही रहते हैं। तो मैं सबसे MP साहब से मैं हाथ जोड़ता हूँ, MP साहब जी थोड़ा ये रोड पे ना ध्यान दीजिए। विजय मांझी जी, आप मेरे उम्र से बहुत काफ़ी बड़े होंगे, तो थोड़ा सा इस रोड पे ध्यान दे देंगे तो बहुत ये होगा पावरफुल। आपका पावर तो खैर अलग ही है, और संता दीदी आपको खैर मैंने पर्सनली वोट दिया है, दूसरों को छोड़ दो, पर्सनली वोट दिया तो कम से कम मेरी तो सुन लो। MLA साहब जी, संता दीदी, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, कम से कम हमारी तो सुन लो। तो ये बात है, आप लोग सबसे यह निवेदन है कि वीडियो को पूरा शेयर करें। कल संडे है, कल 6 तारीख 6 सितंबर है, कल हमारे सारे लोग रैली निकाल रहे हैं, तो
इस रैली में सारे लोग सहयोग करें, जो इस एरिया से बिलोंग करते हैं वो भी, और जो इस एरिया से नहीं बिलोंग करते वो भी, क्योंकि ये रास्ता मेन रास्ता है, सभी को आना जाना लगा रहता है। तो सारे लोग सपोर्ट करें, डंगरा मोड़ पे मास्क पहन करके, COVID-19 का समय चल रहा अभी, मास्क पहन कर पहुँचें, सपोर्ट करें इस रैली में, देखिए वहाँ पे क्या क्या होते हैं। और हमें ये समझ में नहीं आता यार कि अगर रोड नहीं बनाओगे तो किस मुंह से वोट मांगने आओगे, किस मुंह से वोट मांगने आओगे जब जनता के, जब जनता तुझे चेहरा से नहीं पहचानता को यार, सच पूछो तो। विजय जी तो मैंने आज तक हमने कभी देखा ही नहीं, संता दीदी को तो मैंने एक बार ही देखा जब उनको मैंने पर्सनली, जब उन्होंने मुझे ये किया था यार, मेरे गांव में आए थे वो, तो मैंने उन्हें देखा था, बट विजय जी को मैंने आज तक नहीं देखा। तो जब हम नहीं देखे तो और सारे हैं कितने, कोई देखा भी नहीं होगा, तो बताओ किस मुंह से वोट मांगने आओगे। तो यही कहानी है, सारा कुछ ध्यान दो रोड पे, बहुत रोड गंदा है पूरा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें लगता है कि यार जिस दिन वोट होगा जिस दिन, उस दिन किस डायरी लेकर जनता के सामने आओगे कि हम लोग बोलोगे यार कि हम लोग ये काम किया वो काम किया, सारा कुछ बताओगे, बताओ किस, कौन सी डायरी लेकर आओगे, ये किया कि मैंने बाथरूम बैठा दिया, ये किया वो किया, 12-17 छोटी मोटी चीज़ें लिख लोगे, हमने इसको हेल्प किया उसको हेल्प किया, तो वो सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। थोड़ी मोटी सामाजिक काम पर ध्यान दो, ये समाज का चीज़ है, इस ये रोड ऐसा चीज़ है कि मतलब जो आपको जानते भी नहीं होंगे MLA कौन है और वगैरह वगैरह, ये सब जानते भी नहीं होंगे, वो भी उस रास्ते से गुजरते हैं, तो जानो अगर जितना बढ़िया रास्ता बनाओगे, जितना आप ऊपर तक पहुंच अपना दिखाओगे सारा कुछ, तो आप लोग जहां तक सबको नाम ही लेगा। तो सर रिक्वेस्ट है थोड़ा ध्यान दें, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको, गांव का विकास बढ़ा दो, बाकी तो सरकार खैर है ही है, केंद्र में है ही है, सब देख रहे हैं। और एक बात और कि जैसे मैंने आपको बोला कि कौन सी डायरी लेकर क्या हो गए जनता के सामने, है ना, यही बात बोला हमने, तो ऐसा लगता है कि जनता के सामने कौन सी डायरी लेकर क्या हो गए, या फिर आना ही नहीं है, हमें क्लियर बोल दो आप, हमें पर्सनली कमेंट भी कर दो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, इंस्टा पे मैसेज कर देना फॉलो करके, और पर्सनली बता देना कि आपको आना ही नहीं है क्या, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इंस्टाग्राम का, और मेल भी कर दे सकते हो पर्सनली हमें, और नहीं आना तो बता दो हमें पहले ही, ताकि हम अपना वीडियो को ऐसी जगह पे वीडियो बनाए जहाँ पे शेयर हो और सेंटर तक पहुँचे, सभी लोग देखें, गृहमंत्री अमित शाह जी भी देखें, सभी लोग देखें कि भाई आखिर गांव में चल क्या रहा है। अगर बस के ना हो तो, अगर हाथ जोड़ने पर भी अगर ना कुछ हो तो फिर यार इससे बड़ा और क्या कर सकते हैं हम। बहुत बंदे तो वीडियो बनाते हैं, इतनी शर्मनाक वीडियो बनाते हैं कि आप वीडियो देखोगे नहीं पूरा, बट मैं तो हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ कि थोड़ा ध्यान दे दो रोडों पे, ताकि सभी का विकास हो, सभी लोग सुरक्षित आए जाएं, लेट फेट किसी को दिक्कत ना हो, बस। सो थैंक यू, धन्यवाद। और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इंस्टाग्राम का, जो भी हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, मेरे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर ले। सो थैंक यू गाइज, धन्यवाद।